हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संपत कुमार। आज की इस वीडियो हम लोग बात करेंगे कि आप अपना आधार कार्ड में अपना मोबाइल नंबर कैसे लिंक कर सकते हैं। इसका टोटल दो तरीका है। ये दोनों तरीका मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। होता क्या, यदि आपने आधार कार्ड बनाए होंगे तो आधार कार्ड बनाते समय आपने जो मोबाइल नंबर दिया था वो मोबाइल नंबर यदि किसी कारणवश उसका सिम रिजेक्ट हो गया है या फिर वो नंबर बंद हो गया है, तो यहाँ पर आपको एक नया नंबर अपना आधार कार्ड के साथ लिंक कराना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो नंबर आपका बंद हो गया है और वो आधार कार्ड से लिंक था, तो ऐसी परिस्थिति में यदि वो नंबर का सिम कोई दूसरा व्यक्ति निकाल लिया होगा तो यहाँ पर आपके साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हो सकता है। क्योंकि आपका आधार नंबर से आपका बैंक भी लिंक था, तो ऐसी परिस्थिति में आपको अपना आधार नंबर से मोबाइल नंबर जरूर लिंक करवा लेना चाहिए। साथ ही यदि आप कोई नया आधार कार्ड डाउनलोड करेंगे पुनः, तो ऐसी भी परिस्थिति में आपका जो मोबाइल नंबर आधार कार्ड के साथ लिंक था उस मोबाइल नंबर पर OTP भेजा जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में आपको अपना आधार नंबर से अपना मोबाइल नंबर लिंक जरूर करवा लेना चाहिए। तो आप वीडियो में आखिर तक बने रहें, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ये दोनों प्रोसेस बताने वाला हूं कि आप अपना आधार कार्ड में अपना मोबाइल नंबर कैसे लिंक करवा सकते हैं। आधार कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए सबसे पहले आपको ये वेबसाइट पर आना होगा। इस वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आप यहाँ से देख सकते हैं कि इस वेबसाइट का लुक किस प्रकार से दिखता है। यदि आप डिस्क्रिप्शन का लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ डायरेक्ट पहुँच जाएंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि आप सिर्फ अपना आधार नंबर में सिर्फ मोबाइल नंबर ही लिंक नहीं कर सकते हैं, उसके बाद भी और बहुत काम यहाँ से कर सकते हैं। जैसे देखिए, फ्रेश आधार कार्ड के लिए इनरोलमेंट कर सकते हैं, नाम अपडेट कर सकते हैं, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, जनरल, बायोमेट्रिक, फ़ोटो वगैरह भी अपडेट कर सकते हैं। ये काम आप बहुत आसानी से अपना मोबाइल से भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको मोबाइल से ही बताने जा रहा हूँ। उसके नीचे जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं अपना प्लेस, इस पर आपको क्लिक करके आपको अपना प्लेस चूज कर लेना होगा। जैसे मान लीजिए मैं ये प्लेस अपना चूज कर लेता हूँ। आपका जो प्लेस होगा आप अपना वो प्लेस यहाँ से चूज कर लेंगे, या सिटी या लोकेशन जो भी हो यहाँ से आप चूज कर लेंगे। उसके बाद जो है ये नीचे वाले बटन पे आपको क्लिक करना होगा, प्रोसेस टू बुक अपॉइंटमेंट। इस पर मैंने क्लिक कर दिया है। इस पर क्लिक करते ही थोड़ा सा आपको इंतजार करना होगा। कभी कभी ये वेबसाइट काम अच्छा से नहीं करता है, तो आपको थोड़ा सा प्रतीक्षा भी कर लेना होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं ऊपर में तीन बटन आपको दिखेगा। सबसे पहला बटन है आधार अपडेट, उसके बाद है न्यू आधार और मैनेज अपॉइंटमेंट। तो आपको जो है ध्यान रखना होगा कि ये पहला बटन जो है क्लिकेबल होना चाहिए, ठीक है। जैसे देख लीजिए ये दोनों बटन जो है वाइट टाइप का है और इस पर अभी क्लिक किया गया है, ठीक है। तो आपको ये रखना होगा। उसके बाद जो है आपको अपना यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना होगा। उसके नीचे जो है एक कैप्चा कोड यहाँ पर डालना होगा। ये कैप्चा कोड को आप इसमें डाल के जनरेट OTP पर क्लिक करेंगे। जनरेट OTP पर क्लिक करते ही आपने जो यहाँ पर मोबाइल नंबर डाले हैं, यहाँ पर आपने जो मोबाइल नंबर डाले हैं उस मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा। तो यहाँ पर मेरे पास OTP पहुँच गया है, मैंने अपना OTP यहाँ पे डाल दिया है। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे वेरीफाई OTP पे क्लिक करना होगा। तो चलिए मैं वेरीफाई OTP पे क्लिक करता हूँ। आप जैसे वेरीफाई OTP पे क्लिक करेंगे तो एक नया विंडो आ जाएगा। यहाँ पे आपको ध्यान में रखना होगा, यहाँ पे पहला वाला जो बटन है इस पर क्लिक होना ज़रूरी है। यदि आप इंडिया से बाहर का है तब इस पर आप क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो है अपडेट में सबसे पहले है अपॉइंटमेंट टाइप, तो यहाँ पर अपडेट करवाना है आपको, तो अपडेट पर क्लिक रहने देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको आधार नंबर डालना होगा। उसके बाद जो है आपका आधार नंबर पे जो नाम है वो आपको इंग्लिश में यहाँ डालना होगा, एक भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए। उसके बाद जो है यहाँ पे एप्लीकेशन वेरिफिकेशन टैब दिया गया है, तो इस बटन पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट सेलेक्ट रहने देंगे, जैसे यहाँ पर है ऑटोमेटिक, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना स्टेट जो है वो सिलेक्ट कर लेना होगा। उसके नीचे जो है आप अपना सिटी सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो है आपको यहाँ पर आधार सेवा केंद्र जो है यहाँ पर सेलेक्ट करने को आएगा। तो चलिए मैं सबसे पहले ऊपर वाला सभी चीज़ को सेलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि आधार सेवा केंद्र आपको कैसे सेलेक्ट करना होगा। तो मैंने सभी डिटेल को जो यहाँ पे फिल कर लिया है, उसके बाद एक ही डिटेल बचा है आधार सेवा केंद्र फिल करने के लिए। तो आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो हो सकता है कि आपके केस में यहाँ एक से ज़्यादा केंद्र आ जाए, तो जो भी आपको उचित लगे, आप जहाँ जाना चाहते हैं जो आधार सेवा केंद्र पर, उसको आप यहाँ से जो है सेलेक्ट कर लेंगे। चलिए मैं इसको सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं नीचे में नेक्स्ट बटन है, इस नेक्स्ट बटन पे आपको क्लिक करना होगा। तो चलिए मैं यहाँ पर नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर दिया। उसके बाद यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि आपको अपना आधार कार्ड में क्या क्या चीज़ अपडेट करना होगा। जैसे आप यहाँ पे नाम अपडेट कर सकते हैं, जेंडर अपडेट कर सकते हैं, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। तो आपको जो जो अपडेट करना है उसको आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। तो मैं यहाँ पर मोबाइल नंबर सेलेक्ट कर लिया। आप जैसे मोबाइल नंबर सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर एक मोबाइल नंबर आ जाएगा और यहाँ पर दिखाएगा कि आप कौन मोबाइल नंबर अपना आधार कार्ड में जोड़ना चाहते हैं। यदि आपको ये मोबाइल नंबर चेंज करना हो तो आप यहाँ नीचे जो पेंसिल का आइकन देख रहे हैं इस पर क्लिक करके आप इसे चेंज भी कर सकते हैं। यदि आप चाहें तो एक साथ एक से ज़्यादा चीज़ भी अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं ईमेल आईडी भी अपडेट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर आप जैसे ईमेल आईडी पर क्लिक करेंगे
ईमेल आईडी का भी बॉक्स यहाँ नीचे आ गया है। अभी हम देख पा रहे हैं कि ईमेल आईडी भी डालने को आ गया है, लेकिन मेरा आधार कार्ड में ईमेल आईडी अपडेट नहीं करना है, मुझे सिर्फ मोबाइल नंबर अपडेट करना है। ठीक है, तो आपको सिर्फ मोबाइल नंबर पर क्लिक करके रखना है, ईमेल आईडी को हाइड कर देना है। यहाँ पर मेरा मोबाइल नंबर सब सही है, उसके बाद जो है मैं नेक्स्ट पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ। आपको यदि एक से ज़्यादा चीज़ आपको अपना आधार कार्ड में सुधार करना है तो आप यहाँ से टिक कर लेंगे अपने अपने, उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। चलिए मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। आप जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं जो रेड कलर है ना, उस डेट में आपको नहीं जाना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक डेट सेलेक्ट करना होगा। जैसे मान लीजिए मैं ये कर लेता हूँ, ये अवेलेबल है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे साइड पे कैलेंडर भी दिया गया है कि आपको कई तारीख को जो है वहाँ पे उपस्थित होना होगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, मैं ये वाला कर लेता हूँ, ये वाला। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज कर लेंगे कि आपको किस डेट में उपस्थित होना होगा। आप यहाँ पे जो डेट क्लिक करेंगे ना, वो डेट पे आपको वहाँ पे जाना होगा आधार सेवा केंद्र पे। ठीक है, आधार कार्ड को लेके यहाँ पे आप उसके बाद जो है नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। चलिए मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। नेक्स्ट पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपका जो है यहाँ पे डिटेल आ जाएगा। आप अपना डिटेल को पूरी तरह से एक बार वेरीफाई कर लेंगे, उसके बाद जो है आपको यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक करना होगा। चलिए मैं सबमिट बटन पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद जो है यहाँ पे एक पॉपअप आया है, इस पे ओके पे आपको क्लिक कर देना है। आप जैसे ओके पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है मेक पेमेंट का कुछ ऑप्शन आया है, उसके बाद पुनः आपको ओके पे क्लिक करना होगा। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ 50 रुपया जो है शुल्क लिया जा रहा है। ये शुल्क जो है आपको ऑनलाइन ही पे करना होगा। तो आप ऑनलाइन पे जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद जो है आपको यहाँ पे मेक पेमेंट पे क्लिक करना होगा। चलिए मैं मेक पेमेंट पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे देख लीजिए कुछ एरर आ रहा है, जिसके कारण मेरा पेमेंट अभी नहीं हो पाएगा। यदि ये पेमेंट होता तो एक बार और ट्रैक कर लेते हैं क्रेडिट कार्ड और से। तो मैंने क्रेडिट कार्ड चूज कर लिया है, अब देखिए आगे क्या होता है, या फिर कभी कभी प्रॉब्लम हो जाता है सर्वर में, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था। तो यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन आ गया है, यहाँ पे टोटल जो है 50 रुपया पे करना है। तो यहाँ पे जो है आप अपना कार्ड डाल देंगे, कार्ड नंबर जो भी होगा क्रेडिट कार्ड का, उसके बाद यहाँ पे एक्सपायरिंग डेट CVV कार्ड पे जो नाम है, और उसके बाद जो है यहाँ पे आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। आप जैसे प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो आपका ये पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। यहाँ पर अपडेट करने का फी आपको 50 रुपया ले लिया गया है। यदि आप आधार सेवा केंद्र पर जाएंगे तो वहाँ 1 रुपया नहीं लेगा और आपको वहाँ पर समय भी नहीं लगेगा। ये हो गया पहला तरीका। यदि आप दूसरा तरीका से करना चाहते हैं तो आप कोई भी CSC सेंटर जाके इसको अपडेट करवा सकते हैं, लेकिन यदि CSC सेंटर जाके आप डायरेक्ट अपडेट करवाएंगे अपना आधार कार्ड में मोबाइल नंबर, तो वहाँ पे चार्ज कुछ ज़्यादा रहेगा। हो सकता है 150 रुपया या 200 रुपया आपसे ले ले, लेकिन यदि ये प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो आपको सिर्फ 50 रुपया देना पड़ता है। आप जैसे आधार सेवा केंद्र पर जाके आप अपना मोबाइल नंबर को आधार नंबर से लिंक करवाएंगे तो आपको एट ए टाइम जो है मोबाइल पर एक मैसेज भी आ जाएगा कि आपका जो है रिक्वेस्ट कर दिया गया है मोबाइल नंबर को लिंक करने के लिए आधार कार्ड में। ठीक है, उसके बाद जो है मैक्सिमम 1 सप्ताह तक में मान के चलिए कि आपका आधार कार्ड जो है यानी 7 से 10 दिन तक में ये लिंक हो जाता है।